ममता फटाफट आकर हमारा सोने सारा चोरी हो गया। बोलती क्या हुआ मम्मी, माँ देखा क्या हो गया, तो देखो घर के सारों के सारों से अब हमारे घर में शादी था, हम कैसे करेंगे शादी। हम तो सारे ही परेशान हो गए। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, बड़े को छोटे को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, सबको बुलाया घर में। हम बोल रहे देखो आके हमारा सामान सारा का सारा चोरी हो गया। फिर हम गए इनको कंप्लेन की जाके, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया था तब से देखने के लिए, उधर से कोई नहीं। आज हम उधर भी गए थे लेकिन बंदे ऐसे बैठा के रखा, पूछा किसी ने भी नहीं है उनको, हाँ थाने में उधर भी किसी ने अभी तक पूछा नहीं है उनको। हमने उनको खुद भी जाके उधर बोला हमारा सामान दे दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है किसी को, हमारा सामान मिल जाए हमें क्या करना है किसी को बोल के। हाँ जी उन्होंने बोला आंटी जी हमने। अभी हम बन तालाब में वार्ड नंबर 65 में मौजूद हैं और एक घर में मौजूद है, एक पूरा परिवार है जो कि परेशान है क्योंकि इनके घर में यहाँ पे कुछ दिनों के बाद जो है शादी होने वाली है और शादी के लिए जो इन्होंने सोना वगैरह जो बनवाया था घर में रखा हुआ था वो चोरी हो चुका है। और इनका जो शक है वो शक यहीं पे काम करने वाले जो यहाँ पे पेंटर लगाए थे इनके द्वारा, जिन्होंने पेंटर लगवाए थे उन पे है कि उन लोगों ने जो है बड़ी तसल्ली से आराम से यहाँ से जो है वो सामान चोरी किया है, सोना आभूषण वगैरह जो चोरी किए हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। मैम क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी कब आपने ये घर का काम लगाया था यहाँ पे? काम हमने लगाया था 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख। हाँ 2 तारीख। वो लोग जिनको आपने यहाँ पे काम लगाया था वो बिहार के हैं, बिहार के हाँ। पेंटर हैं। हाँ पेंटर हैं। क्या हुआ पूरा बताएंगे आप शुरुआत से? बस 2 तारीख को काम लगाया था, पहले हमने ऊपर ही लगाया था काम, ऊपर हमने कुछ नहीं रखा था, तब हमारा कमरा ये खाली था पूरा हाल। पहले उन्होंने ये पूरा कंप्लीट किया उन्होंने पहले ये वाला, फिर वो चले गए नीचे। जब वो नीचे गए उन्होंने बोला सारा सामान ऊपर चढ़ा दो, जो छोटे छोटे ट्रंक श्रंक थे वो हमने चढ़ा दिए ऊपर, जो कूलर अलमारी है वो नीचे ही रहने दिया, तो छोटा छोटा वाला सारा ऊपर चढ़ा दिया जिसमें आपका सोना वगैरह। हाँ वो भी ऊपर चढ़ाया मैंने, बेड के नीचे छुपा के रखा। अब देखो हम तो पुराने बंदे हैं ऐसे ही रखते हैं सामान, तो मुझे थोड़ी पता मैंने ट्रंक में ताला लगा के रखा है। मैंने बोला बेड के नीचे रख दे तू जाके छुपा के, तो इधर कौन लेगा? ऐसे भरोसेमंद बंदे इतने दिन हो गए, इन्होंने काम किया, उन्होंने कभी ऐसे नज़र भी नहीं ऊपर की, हैं ऐसे चुपचाप काम में लगे रहते थे ऐसे, तो हमें ऐसे कभी डाउट किया ही नहीं किसी पे। हमारे घर में आता ही नहीं है कोई, ऐसा कोई भी बंदा नहीं आता। हमारा कुत्ता इतना तेज़ है कि घर में कोई आ नहीं सकता, क्योंकि जब वो काम करते थे हमने कुत्ता अभी भी बंद रखा है क्योंकि वो आने नहीं देता किसी को। बस वो काम जब नीचे करते थे खाना खाने वो ऊपर आते थे, ये हमें पता नहीं है उन्होंने कब निकाले कब नहीं निकाले, लेकिन मुझे डाउट है पूरा उन पर है कि क्यों उन्होंने ये काम किया। लगातार काम उन्होंने किया हमारे घर में, सारा दिन लगातार लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, अभी हाँ। उस समय कोई नहीं होता था जब वो काम करते थे? बस यही एक लड़की होती थी ना, ये बस यही थी घर में, तो ये बीच में छोटे को लेने जाती थी स्कूल, एक घंटा डेढ़ लग ही जाता था स्कूल जाते, पैदल जाती थी पैदल आती थी। उतने टाइम वही दो लोग यहाँ पे? हाँ उतने देर में वही दो लोग होते थे। कि हमने सोचा इतनी देर में काम कर रहे हैं ये, हमें थोड़ी पता ये लोग ऐसे होंगे। अब भरोसा करके बंदा काम पे लगाता है किसी को, अब देखो ना हमें थोड़ी इतना पता होता तो फिर तो हम उसको छुपा के ही रखते। क्या क्या आपका चोरी हुआ है, कितना सामान चोरी हुआ? 2 सेट चोरी हुए, एक छोटी बहू का लाया था, एक बड़ी बहू का लाया, 2 बालू चोरी हुए, एक टिक्का लाया था, एक पुराने के लिए था। हाँ अच्छा। और मेरा भी था बालू टिक्का, मेरा था और इसका एक टिक्का था बालू था, 2 झुमके मेरे थे, 2 सेट के साथ थे, 2 अंगूठियाँ थी सोने की, सारा का सारा सोना वगैरह सारा चोरी कर दिया। सोना सारे इधर ही छोड़ दिए, देखो आपके सामने सारे डब्बे सारे के सारे। कैश भी है? हाँ कैश भी था 1,00,000 रुपया, मैंने कमेटी लेके रखी थी। शादी कब है? शादी अगले महीने को 22 21 को साथ है, 22 को बारात है। तो हम तो इतने काले पड़े हैं, जल्दी जल्दी में सामान, मैंने बोला कल मैं ऊपर जाती हूँ, मैंने बोला बारे वाली गाड़ी में जानीपुर में जाऊँगी थोड़ा सामान लाऊँगी। मैं ऊपर आई कुत्ते को बांधा इधर, पानी शानी दिया इसको, मैंने सोचा चलो मैं पैसे निकाल लेती हूँ, तो मैं जा नहीं उन्होंने छुट्टी की है 19 को, खत्म हो गया था उनका काम, वो तो 19 को चले गए थे, तो मैंने पैसे नीचे ही रखे थे थोड़े, मैंने उधर से ही दे दिए उनको पैसे, मैं पैसे देखने आई नहीं ऊपर। जो मेरे पास पड़े थे जो इतने थे उनका, जितना उनका बनता था 12,000 रुपया बनता था उनका लास्ट, इतने मैंने कमरे में रखे थे अपने पास, वो मैंने अपने पास से ही दे। मैंने बोला कौन जाएगा ऊपर, अब छोड़ इनके सामने कौन जाएगा निकालने, तो मैं अंदर से ही दे देती हूँ उनको पैसे, वो मैंने अंदर से ही दे दिए। तो फिर मैंने कल सोचा चल मैं जानीपुर जाती हूँ थोड़ा सामान ले आती हूँ,
दिन ही थोड़े ही रह गए हैं, थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ। मैं पैसे निकालने आई, जब मैंने जब देखा मैंने ट्रंक खींचा, पीछे से ट्रंक खींचा ना, थोड़ा आगे था, हाँ आगे था, मैंने बड़ा पीछे रखा था, वो ट्रंक आगे था थोड़ा, मुझे थोड़ा डाउट हो गया, मैंने खींचा उसको बाहर, जब मैंने देखा तो चाबी ऐसे में लगाने लगी, तो पहले ही खुला ताला खुला हुआ, मैंने सोचा अब ये क्या हुआ, मैंने फटाफट उसको उठाया, मैंने सोचा शायद मेरे से ही खुला रह गया होगा, जब जैसे उठाया पर्स देखा उसमें पैसे ही नहीं है, फिर मुझे डाउट हो गया, फिर मैं एक एक चीज़ ढूंढने लगी, मुझे घबराहट होने लगी, मैं फटाफट गई इसको बाज मारी, मैंने बोला ममता फटाफट आओ, हमारा सोने सारा चोरी हो गया, बोलती क्या हुआ मम्मी, मैं देखा क्या हो गया, देखो हर के सारों के सारों, अब हमारे घर में शादी था, हम कैसे करेंगे शादी, हम तो सारे ही परेशान हो गए, फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इसको फ़ोन किया, बड़े को छोटे को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, सबको बुलाया घर में, हम बोला देखो आके हमारा सामान सारा का सारा चोरी हो गया, फिर हम गए इनको कंप्लेंट की जाके, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया तब से देखने के लिए, उधर से कोई नहीं, आज हम उधर भी गए थे लेकिन बंदे ऐसे बैठा के रखा, पूछा किसी ने भी नहीं है उनको, हाँ थाने में उधर भी किसी ने अभी तक पूछा नहीं है उनको, हमने उनको खुद भी जाके उधर बोला हमारा सामान दे दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या करना है किसी को, हमारा सामान मिल जाए हमें क्या करना है किसी को, हाँ जी उन्होंने बोला आंटी जी हमने लिए नहीं, एक बंदा तो बोला ही नहीं है, वो तो चुपचाप ऐसे बैठा था ऐसे, मुझे तो पूरा डाउट है उसी पे है, जो उसके साथ में था ना वो बहुत बातें कर रहा था, आंटी जी हमने नहीं लिया है, हम आपको पता हम नज़र नहीं मिलाते थे आपके साथ, हम ऊंचा नहीं देखते थे, हम नीचे नहीं देखते थे, हमने अपने काम में मस्त रहते थे, मैंने बोला तभी आपने किया, आप नीचे ही नज़र रखते थे, ध्यान रखते थे कहाँ कहाँ क्या क्या कर रख रहे हैं सामान जी, तभी आपने ऐसे किया, लेकिन हम भी किसी पे शक नहीं करते, हमने आपके अपने बच्चों की तरह आपको रखा घर में, चाय पिलाते थे आपको, हर बात में पूछते थे भैया ये कैसे किया, भैया ये कैसे किया, हमने भी कभी आपको तंग किया, बोलते नहीं हमने तो, आपने तो हमें डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपने हमारा जान लिया था कैसा स्वभाव है इन लोगों का, तो आपने कर दिया कांड हमारा, जब वो जाने लगे ना एक बंदा पहले ही बाहर निकल गया, तो दूसरा बोलता है आंटी जी हमारा हिसाब कर दो पैसे दे दो हमें, मैंने बोला कोई बात नहीं भैया दो मिनट रुक जाओ, मैं गई अंदर मैंने उसको बोला बच्चे पैसे दे दे जो तेरे पास बने वो दे दे मेरे को, दे देती हूँ आप कौन जाएगा ऊपर, मैं थकी हुई आई हूँ मैं कौन जाएगा ऊपर, बोलती कि ठीक है, जब मैं बाहर फिर मैं उनके पीछे पीछे बाहर गई, बंदा एक आगे ही चला गया जेड़ा ज़्यादा गला कर रहा था, वो चोला चुकी अगे चलिए था, मैंने फिर उसको बोला मैंने बोलिया जब अगर हम इधर दरवाज़ा एक लगाएंगे और तो आप आओगे, बोलता कोई बात नहीं बे आंटी जी देख लेना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे आएंगे, मगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, अब पड़ेगी कहाँ से ज़रूरत, जब सब कुछ लेंगे तो कैसे ज़रूरत पड़ेगी हमें, आपको क्या लगता है जिस तरह से सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है खिलारा पड़ा हुआ था एक ही दिन में सारी चोरी हुई है या अलग अलग दिनों में हुई? अब ये मैं नहीं बता सकती ना, अब देखो ना उन्होंने क्या पता एक एक चीज़ निकालते थे जहाँ सारा इकट्ठा ही निकाला है, अब मैंने तो नहीं ना इतने दिन ट्रंक देखा, मैंने पैसे ही नहीं निकाले इतने दिन, जब अगर पैसे निकालते थे तब मुझे हो सकता मैं उसी टाइम पैसे निकालती पता चल जाता उसी टाइम, ये तो नहीं ना बोल सकते हम क्या पता कब निकाले, थोड़े थोड़े निकाले कि इकट्ठे ही निकाले उन्होंने, इतना नहीं बता सकते। ममता जी आप यहीं पे थी जब काम वो लोग किया करते थे? मैं घर में ही होती हूँ, सारे अपने अपने जाते हैं काम करने, मैं अकेली होती हूँ घर में, तो मैं उनको पूछने जब काम करते हैं कभी इधर का कर रहे हैं कभी किचन का कर रहे हैं कहीं कहीं मैं आधी आधी जगह पे करते हैं। शक हुआ उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके कुछ अजीब सा? नहीं पहले कोई शक नहीं हुआ, जब काम खत्म होने वाला था ना दो तीन दिन रह गए थे तो उनको बड़ी जल्दी पड़ी थी, अच्छा। मेरे को बोला भाभी हमने बिजली वाले काम लगाए ना, उन्होंने बोला इधर उधर नहीं लगाए हम नहीं लगाएंगे और कहीं भी पेंट शेंट वगैरह, हमें जल्दी है जाने की, मैंने बोला क्यों जल्दी है, बोला हमने कहीं काम लिया तो इसलिए हमें जाना है जल्दी, मैं ठीक है, मैंने मम्मी को बोला मैं बोल रहे थे एक दिन कि एक दिन को हम पूरा ही ख़त्म करके जाएंगे चाहे रात के 10 बज जाएँ, मतलब हमने इतना ध्यान नहीं दिया, इतना विश्वास किया उनके ऊपर, घर की तरह ही रखा उनके ऊपर, इतना विश्वास ही किया, पर पता नहीं कैसे उन्होंने करे, भी एक बजे पौने एक बजे जाती थी बच्चे को लेने तो 2 बजे घर पहुंचती थी उनके बीच ही उन्होंने किया। जब वो पेंटर नीचे काम कर रहे थे ये वाला काम आपका पूरा हो गया, सामान आपने सारा यहाँ पे रख लिया, वो जिसमें आपका सोना वगैरह पड़ा था वो भी आपने यहाँ पे रखा, हाँ। आप खुद कहाँ पे किचन वगैरह कहाँ पे था आपका? किचन नीचे ही था, किचन नीचे, हाँ। बाकी उन्होंने सारा कर दिया था, ये वाला नहीं किया था, मोंटी ने की थी और अंदर वाला बाथरूम भी नहीं किया था, उन्होंने बोला बाद में करेंगे, और बीच बीच में ये खिड़कियाँ भी आते थे करने पेंट, तो पूरा ख़त्म नहीं किया था उन्होंने, पर उन्होंने बोला कमरे सारे खाली कर दो तो हमने ये काम करना है इधर, तो हमने सारा कर दिया सामान, हमें थोड़ी पता था कि वो ऐसे निकलेंगे, तो हमने वो सारा का सारा सामान, समय उतना टाइम उनको मिलता था कि वो अकेले में रह करके
वो निकाल सकते थे सामान या चोरी कर सकते थे? एक डेढ़ घंटा वो अकेले ही होते थे, एक बजे जाते थे वो, मतलब पौने में एक पौने एक बजे निकल जाते। अब क्या पता तभी आ जाते होंगे वो रोटी। हाँ, स्कूल टाइम घर पे कोई नहीं होता था, कोई नहीं होता था। मैं नीचे तो ताला लगा के जाती थी पर ऊपर ताला नहीं लगाया, पर कहा इधर दरवाज़ा नहीं लगाया। अभी तो अभी काम चल रहा है, तो अभी सारा काम धीरे धीरे करवा रहे थे हम, तो पता नहीं चला उन्होंने। कोई चांस नहीं है कोई बाहर से आकर के कोई चोरी करके गया होता? ऐसे कुत्ते को ही हमने ऐसे ही बंद किया होता है, जहाँ कोई होता है फिर रात को आ जाए, कोई रात को कोई आ ही नहीं सकता। कुत्ता खुला होता है, ये किसी को आने नहीं देता गेट के पास में। ये हमारे पास वाले हैं, इनको वांडी शांडी जो भी है। पहली बार, पहली बार ही हुआ है ये, तभी इतनी विश्वास के साथ चीज़ें। पहले भी आते थे सारे काम करवाते थे, इन्होंने करवाया पहले। मैं तो अभी शादी करके आई हूँ, लेकिन इन्होंने सारा काम करवाया, पहले विश्वास के साथ ही करवाया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहली बार ही ऐसा चांस हुआ है। कितना पता नहीं, पर दो सेट हैं पूरे, पूरे दो सेट हैं, दो मंगलसूत्र हैं, मम्मी के झुमके वगैरह थे तो मेरे टॉपर्स थे सब सोने के, और दो नत्थे थी, एक टिक्का था, और दो शॉप थी बस। सब कुछ है इसका, सारा कुछ बिल है, बिल शिल हाँ होगा, पर अब पुराने वाले पहले बनाए होंगे, 8-9 साल कुछ बनाए पहले। एक नया वाला सेट लाया था नई बहू के लिए, उसका बिल शिल होगा। हाँ, बाकी वाले कहाँ इतना रखते हैं, जब आ गई चीज़ तो फिर गुम ही हो जाती हैं, कहाँ कहाँ रखे होते हैं चीज़ें। क्या नाम है सर? अजय कुमार। अजय जी, माता जी आपकी? हाँ जी, मेरी मम्मी। कितना आपका ये सामान, कितना लगभग कितना? आइडिया 6-7 लाख रुपए का दो है। 6-7 लाख रुपया कैश? लाख रुपया कैश। तो अभी अफोर्ड कर पाएंगे महीने के बाद? कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे सर, गरीब बंदे हैं, दिहाड़ी लगाने वाले तीनों भाई हम गरीब हैं। फूल की दुकान है हमारी, मम्मी पापा वहाँ बैठते हैं। अच्छा। छोटा भाई कैफ़े में है, जिसकी शादी करनी है वो एयरटेल फाइबर में लगा है। अच्छा। मैं हार्डवेयर की दुकान पे काम करता हूँ। 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमाने वाले बंदे कहाँ से इतना अफोर्ड कर पाएंगे 6-7 लाख रुपया? तो जो पेंटर के साथ आपकी बातचीत हुई थाने में, चौकी में, जहाँ पर भी उनको रखा गया है, क्या कुछ लगा आपको उनके बिहेवियर से? बिहेवियर से सर, एक जो है ना वो तो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है, वो तो बोल ही नहीं रहा, उसका रंग उड़ा हुआ है। पहले जब काम करता था तब भी चुप रहा करता था या तब? तब तो हम घर पे होते ही नहीं थे। अच्छा। एक तो ज़्यादा बातें करता है ना, एक तो वो थाने में भी बड़ा बोल रहा था कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ये है वो है फलाना, हमने कुछ नहीं किया। तो एक जो है ना वो चुप करके बैठा हुआ है, वो कुछ भी नहीं बोला भाई हमने कुछ किया या नहीं किया, आप हमसे शक कर रहे हो या ये कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोला। वो दूसरा वाला बड़ा बोल रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बोला। एक हमें डाउट उन्हीं पे है कि वही है, उन्हीं के खातर तो हमने कुत्ता भी बंद रखा, अभी भी देख सकते हो आप दरवाज़ा बंद रखा है कुत्ते के लिए हमने। किस वक्त आपने कंप्लेंट की और कहाँ पे की? ये चिनोर थाने में की, कोई 1:30 बजे 1:30-2 बजे। चिनोर थाना चौकी है? हाँ, चौकी चौकी चिनोर चौकी में। फिर क्या किया पुलिस ने? क्या किया पुलिस ने? कहा बंदे पकड़े, ठेकेदार को फ़ोन किया, बंदे कहाँ काम लगे? उन्होंने बोला मुट्ठी में। मैं कोई बात नहीं, हम गए खुद, मैं और मेरा छोटा भाई गए, हम दोनों बंदे पकड़ के थाने में ले आए, उनसे पूछताछ की। पुलिस भी थी आपके साथ? नहीं, पुलिस नहीं गई थी, हम ही गए थे पकड़ने के लिए। अच्छा। हम ही उठा के ले आए बंदे। अच्छा। हमने थाने में दिए, चौकी में दिए बंदे दोनों। तो फिर उन्होंने पूछताछ की उनसे, हमसे भी पूछा कि घर में चेक करो जाके, ठीक है? तो इधर चेक करना था करके? बोल रहे थे क्या पता कहीं इधर उधर ना रख दिया हो। अच्छा। ताकि हम जब फ़ोन आया हम बारो बार ही चले गए ना, हमें पता नहीं था एक्यूरेट की हुआ कैसे है चोरी, किस तरीके से चोरी हुई है। फिर जब हम वहाँ से हो गए, मैं चलो ठीक है घर में भी देख लेते हैं, फिर जब घर आके देखा तो सामान ऐसे पड़ा था कि उसका सामान की टिक्के का डोरी पड़ी है, टिक्का ले गया वो, तो फिर चोरी की है ना। अगर खुद किसी ने रखा होता तो उसने तो पूरा का पूरा रखना था ना इकट्ठा करके, अगर एक ट्रंक में नहीं दूसरे ट्रंक में रखा होता इकट्ठा करके तो वो तो इकट्ठा ही रखना था, ऐसे अलग अलग करके थोड़ी रखना था। तो इसलिए आज अभी तक हमारे घर पर चेक करने के लिए कोई भी नहीं आया, मतलब पुलिस नहीं आई अभी तक मौके पे, कुछ नहीं आया अभी तक मौका, कुछ नहीं देखा, कैसे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कोई भी नहीं आया अभी तक। आप गए पुलिस के पास? अभी गया था, कल शाम को भी गया था मैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने फिर से पूछताछ की, हमसे भी पूछा तो उनसे भी पूछा, बोला नहीं मार किया। फिर उन्होंने बोला आप जाओ फिर आपको फ़ोन करके बुलाएंगे, फिर अभी तक उन्होंने फ़ोन नहीं किया। अभी हम गए थे तो खुद ही गए थे तो देखा वहाँ पर साफ नहीं था। अब हम पूरी फैमिली ही गए थे वहाँ पे, साहब नहीं थे अभी, वो रैली निकली थी, कह रहे हैं साहब वहाँ पे बिजी हैं तो अब बाद में आना, फ़ोन करके बुलाएंगे। ठीक है मैम, आप थोड़ा अंदर आएंगे बताएंगे कैसे क्या कुछ आपने देखा जब आप अंदर आए यहाँ पे? हाँ बताऊँगी महाराज।
जैसे मैं इधर आई ना, मैंने पहले किया काम शाम, फिर मैं सोचा चलो मैं पैसे निकाल लेती हूँ, गाड़ी का टाइम हो रहा 12:15 हो गए, 12 बजे हमारी गाड़ी जाती है इधर, टाइम टाइम से गाड़ी जाती है 1 बजे 12 बजे, तो मैंने बोला मैं 12 वाली गाड़ी में जाती हूँ। मैं आई इधर फटाफट, तो मैंने देखा टैंक, मैंने सोचा मैंने पीछे रखा था टैंक तो देखा इधर पड़ा है, पीछे रखा था टैंक इधर पड़ा है, मैंने फटाफट उसको खींचा बाहर, जैसे ही मैंने देखा उसको चाबी लगा तो ताला तो खुला हुआ इसी ट्रंक में मैं सामान, ये मेरा एक स्पेशल ट्रंक है कि मैं आपको पता है सियाने बुजुर्ग जब भी शुरू से मैंने इसकी शादी कराई थी तो इसी में सब कुछ रखा, तो ऐसे हमें लगता है कि हमारा बरकत वाला है, पैसा रहता है, सोना रहता है इसमें, तो हम इसी में रखते हैं। मेरे को बच्चे बोलते हैं मम्मी लमारी मेरा खुद रख, मैं नहीं जा रहा, आगे पीछे घूम जाता है कि ये मेरी नज़र में ही रहता है क्योंकि मैं इसके पास में नहीं छोड़ती, जो बच्चा गुम कर देगी कहीं आगे पीछे रखेगी इसको नहीं याद रहेगा, इसलिए मैं अपने पास ही रखती हूँ हर एक चीज़, टाइम टाइम से संभाल देती हूँ। जैसे मैंने इसको खींचा देखा, मैंने जे खोला ट्रंक खोला, मैंने पर्स निकाला तो पर्स ऊपर ही पड़ा था, उसमें पैसा ही नहीं था, उसमें पैसा नहीं है, मैंने मुझे डाउट हो गया, मैं पूरा टैंक ऐसे करके खोला, एक एक चीज़ निकाली, बाहर देखा तो इसमें है नहीं, मैंने दो तीन चीज़ें ही निकाली पहले, मैं गई दौड़ के इसको बाय मारी, मैंने बोला ममता ऊपर आ फटाफट देख हमारे टैंक में तो कुछ भी नहीं है, बोलते क्या बोल रहे हो मम्मी, मैंने बोला सच में सारे के सारे गहने ले गए, बोलते देखो यार आगे पीछे मेरा पूरे, तब मैं एक एक डब्बी निकालने लगी बाहर, मैंने बोला ये देखो ये तो सारे के सारे खाली है, कहाँ से निकालू, कहती नहीं मम्मी आगे पीछे देखो, मैं आगे पीछे कहाँ देखूँ, मैंने इसमें तो डाले होते हैं, आगे पीछे देखो कहाँ, मैंने सारे सारे डब्बे निकाले, वो नेकलेस वगैरह इन डब्बों में पड़े, हाँ नेकलेस में पड़े थे, ये डब्बी छोटी छोटी डब्बी मैंने देखो इस डब्बे में निकाल के, देखो ना हमारे बुजुर्गों के काम, बड़े लोगों के इसमें डाल के रखे, इसमें आपने छोटी छोटी डब्बी, हाँ ये छोटी छोटी डब्बियाँ इसमें पैक करके रखी है, जो लंबी लंबी डब्बी मैंने इसमें डाल के रखी, देखो ना कैसे ऐसे सामान संभाल के ही रखे हैं ना सामान, हम कोई ऐसे थोड़ी रखता है, ये छोटे लड़के का लाया था वो पड़ा उसका झोला, वो नया ही लाया था उसका झोला, ये बड़ी बहू का, सबका ऐसे ही, फिर मैंने एक एक करके निकाला सारा देखा तो उसमें है ही किसी में नहीं है, तो क्या कहाँ से देखती मैं, अब आप क्या मांग करते हैं, अब आप ही सोचो कि क्या करें, हम शादी करनी है हम कैसे करें, अब पुलिस से किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं, पुलिस ने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया तो क्या बोले क्या करेंगे, अभी तक देखो ना मौके पे कोई आया नहीं, ऐसे बोला बच्चों को हाथ किसी को नहीं लगाना, मैंने बोला हाथ नहीं लगाऊंगी तो देखूंगी कैसे सामान, हाथ के बगैर सामान देखता है, एक चीज़ देख के मैं कैसे रिपोर्ट कर दूं किसी पे, हर चीज़ देख के ही करूंगी ना, जब मेरा सामान गुम हुआ तो मैं देखूंगी, अगर एक चीज़ देख के मैं किसी पर रिपोर्ट कर दूं तो पुलिस वाले बोलेंगे ये क्या किया, एक चीज़ तो घर का भी कोई आगे पीछे कर देता है, ठीक है ना, सारा सामान देखूंगी, मुझे चेक करूंगी मेरा सामान नहीं है तो तभी मैं बोलूंगी ना मेरा सामान नहीं है इधर, ऐसे कैसे मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊंगी। चलें जी, ये पूरा मामला है बंतलाव वार्ड नंबर 65 का, ये घर जहाँ पे अगले महीने जो है शादी होने वाली थी, नई बहू के लिए जो सोना वगैरह जो खरीद करके लाया गया था, या पुरानी बहू का भी जो सोना यहाँ पे पड़ा हुआ था, इनके पास खुद का जो इनका यहाँ पे सोना था वो भी चोरी हो चुका है, कैश जो 1,00,000 रुपया था वो भी चोरी हो चुका है, और शक जो इनका है वो उन पेंटर्स पे है जिनको यहाँ पे लगाया गया था इस घर को पेंट करने के लिए, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा, इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया, मैं फैज़ अहमद कैमरा मैन शाहनवाज के साथ।